कितने टाइप का सीरीज होता है? कौन कौन? न्यूमेरिकल, अल्फान्यूमेरिक है ना? तो अभी हम लोग कौन सा कर लेते हैं? न्यूमेरिकल वाला कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में बताया था किस टाइप का होता है, जैसे नंबर्स होंगे, है ना? लास्ट मतलब अभी लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था ना, क्या दिया था? बने बन गए? तुम आया नहीं था, आया नहीं था ना? तो बताना क्या क्वेश्चन था। 93, 94, 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
हुआ था सबका लास्ट नहीं हुआ होमवर्क दिया था हुआ था तुम्हारा हुआ था क्वेश्चन भी दिया था हाँ कुछ क्वेश्चन दिए थे ना तो किस लिए दिए थे तो आगे एक और क्वेश्चन था अच्छा एक देखो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो इसके बाद का पूछ रहा है ना तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे डिजिट बड़ा हो तो क्या करो पीछे से ले लो ठीक है तो यहाँ यहाँ पे देखो ड्रास्टिक चेंज जैसे ही बताया था तो क्या होगा या तो मल्टीप्लिकेशन होगा या तो डिवीजन होगा तो इधर डिवीजन होगा तो यहाँ पे इधर से आओगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10 to 31 कैसे बनेगा 10 में इंटू 3 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो बनेगा चलो इसमें इसमें करेंगे तो क्या होगा 31 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा 31 3 से 91 और प्लस और नहीं 93 और प्लस 1 94 ठीक है और 94 से 283 जाना है कितना करना होगा 94 इंटू 3 कितना होता है 282 और प्लस 1 283 हो गया मतलब इंटू 3 प्लस 1 है ठीक है ना इंटू 3 प्लस 1 तो इंटू 3 प्लस 1 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 आएगा तब तो 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या होगा 10 होगा है ना तो 7 कैसे आया ऑप्शन में तो 10 है अच्छा ऑप्शन में ऑप्शन में 7 है ना 7 अच्छा चलिए इनिशियल 3 आंसर क्या होगा 3 होगा ठीक है ना 7 के गलत है ये ऐसे भी हो सकता है 17 का स्क्वायर 29 17 का स्क्वायर 17 का 17 का स्क्वायर 29 माइनस 6 17 का स्क्वायर 289 माइनस 6 17 का स्क्वायर माइनस 6 ठीक है आगे 289 उसके बाद 10 का स्क्वायर माइनस 694 हाँ आगे उसके बाद 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 आगे ऐसा तब होता है ना जब एक सीरीज में करेंगे तो अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ 17 है तो यहाँ 17 है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए मतलब ये भी आपका कुछ होना चाहिए ना ठीक है सिंपली देखो ना तो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचना है कैसे पहुँचोगे ठीक है एक और क्वेश्चन था इसमें कौन सा क्या था क्वेश्चन 20 19 हाँ जी 20 19 70 70 17 17 हाँ गैप 10 5 ये है ना ये बन गया
क्या था? क्या ये हो गया? चलो कौन सा नहीं दिया था, एक क्वेश्चन बताओ। 1 7 3 9 6 12 10 16 15 ठीक है ये दिया था बना। अच्छा दो ब्लैंक है, 15 और सबका कितना? तुम्हारा कैसे? मोबाइल से बताओ। सर 1 और 7 में 6 का गैप है, 3 और 9 में 6 का गैप है, 6 और 12 में 6 का गैप है, 10 और 16 में 6 का गैप है, 15 और फिर नीचे में बता रहे हो सर, और नीचे में 7 से देखो 3 का 4 का गैप है। हां बताओ मुझे, पता है ठीक है। चलो देखो ये किसका नहीं बना, ये वाला देखो, इसको दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इसमें दो तरह की सीरीज चल रही है, जब ऐसे कुछ क्वेश्चन रहे तो आप देखना कि एक नंबर छोटा है एक बड़ा है, एक फिट छोटा एक बड़ा है, तो ऐसे अल्टरनेट सीरीज भी चलती है इसमें, ठीक है। तो जैसे 1 है तो 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 15। तो इसमें देखो तो इसमें कितना का गैप है, 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, तो देन आफ्टर 6 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे 21 होगा। अच्छा ये इस सीरीज का है, लेकिन इसके बाद वाला का क्या आएगा? तो देखो इसके बाद वाला का देखना, देखो 7 से 9, 9 से 12, 12 से, ठीक है ना, मतलब दोनों में 21 ही आएगा। अगर गलत इसलिए है क्योंकि जैसे 1 7 है ना और फिर 3 4 है, तो 7 के बाद 3 ही क्यों आएगा? जैसे अगर आप वो अप्रोच ले रहे हैं कि इन दोनों में 6 का गैप है, इन दोनों में 6 का गैप है, इन दोनों में 6 का, इन दोनों में 6 का 6 का, चलिए ठीक है सबका 6 का, लेकिन आप ये बताओ कि 1 7 है तो यहाँ 3 9 ही क्यों होगा, 3 क्यों आएगा यहाँ? हाँ अच्छा यहाँ पे देखो ये गैप है, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ 6 6 और यहाँ भी 6, लेकिन यहाँ पे फिर देखोगे यहाँ पे 21 आ गया ना, यहाँ भी 21, यहाँ भी 21, तो यहाँ पे क्या गैप रहा? हाँ, नहीं रहा ना, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये अप्रोच देखना, ठीक है, कि अगर आपको अल्टरनेटली मतलब ऐसा मिले कि एक डिजिट बड़ा है एक डिजिट छोटा है, तो इसमें अल्टरनेट चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लिखो, रुको लिखा रहा हूँ मैं। फोर्टीन कॉमा फिफ्टीन कॉमा नाइनटीन है ना, फिर क्वेश्चन मार्क कर दो, फिर लिखो कॉमा 44 और 69, 44 और 69, ठीक है ना। ऑप्शन लिख लो, 28 के बाद कर दो, ये क्वेश्चन हटाओ छोड़ो, दूसरा लिखो, लिखो क्वेश्चन 325 comma 261 comma 197 comma - और कॉमा 69, ये बनाओ।
ऑप्शन है 181, 133 और 143। वन बना सभी से। सबका आया? वन थर्टी थ्री सबका। क्या था क्वेश्चन? इसका नहीं हुआ आपका हो क्या? क्या था क्वेश्चन? 325, 261, 69 है ना? क्या ऑप्शन था? 10, 81, 133, 140। ठीक है, तो 64 का गैप है। कितना का गैप है सब में? 64। ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन -5, -3, -1, -3 आगे अभी क्वेश्चन पूरा कॉमा ऐसा -5, -3, (?), (1), (3), (2) दो ऑप्शन माइनस वन और हुआ सबका। चलो आगे बनाओ। 388, 373, (293) के बाद ना क्वेश्चन मार्क कर देना, फिर लिखो 298, 238, (163). अब बताओ ऑप्शन। तो 299 ए ऑप्शन, 299 बी ऑप्शन, 341 सी ऑप्शन, 295 और डी ऑप्शन 343।
3 double 8 3 73 क्या बोले 3 343 हाँ जी आपका वन आस्तुति हो गया ट्राइंग चल रहा है हो गया या बताऊं हो गया या बताऊं आ गया ना चलो बताना है 3 double 8 क्या क्या था बताना 373 टू ठीक है ये है ना देखो ये सब कुछ जब अगर कुछ टर्म्स का ही गैप हो सब में कंसिस्टेंसी चल रहा है तो कुछ ना करके माइनस कर लो ठीक है तो इनमें इनमें माइनस करो तो कितना आएगा देखना 60 का गैप है इसमें 45 होगा देखो ये पता नहीं था तुम्हें ठीक है तो यहाँ देखो 75 का गैप था यहाँ 60 का गैप था यहाँ 30 का गैप था यहाँ आएगा तो तुम देख लो 15-15 का चल रहा है अगर ऐसे भी नहीं है तो एक और कर लो एक और कर लोगे तो यहाँ 15 और यहाँ 15 तो मतलब यहाँ भी 15 होना चाहिए तो यहाँ 45 होना चाहिए और 45 इसमें ऐड करो या इसमें माइनस कर दो या तो इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 343 ठीक है हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अठारह कोमा 17 कोमा 13 कोमा डैश कोमा -12 कोमा -37 -12 कोमा -37 ठीक है ऑप्शन लिखना 4 6 16 -10 4 6 16 -10 ऑप्शन है 4 6 16 -10 ठीक है अच्छा -12 बड़ा होता है या -17 बड़ा होता है -12 बार आता ना हाँ ठीक वहाँ क्वेश्चन है लग रहा है कुछ सही जा रहे तो दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ क्या
किसका? सबका हुआ, इसका आ गया नहीं आया? बताऊं? देखो इसमें कितना का गैप, इसमें ये नहीं पता, इसमें अच्छा 37 बोला था क्या? तो कितना का गैप हो गया? ठीक है, अगर ये देखोगे तो ये 1 4 है, वहाँ 25 है, मतलब 1 और 4 से ये लग रहा है कि ये स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, तो बचा कौन सा? 4 का है, ठीक है, 1 2 3 5। अच्छा 3 5 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक में 4 होगा ना, ठीक है, बीच में एक और है ना, तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 9, मतलब यहाँ 9 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 इधर, 9 टेंस है, ठीक इसका 13। हाँ ठीक है, ये तो बहुत सही जी, 13 होगा, 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, सीरीज में ना वो प्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ठीक है, वो ऑड वन आउट होगा तो कर भी सकते हैं। ये बन गया, देखो इन दोनों में कितना गैप, 4, इन दोनों में 2 और 4, यानी 4 है तो अब कितना आएगा, 2 2, और तो फिर आएगा कितना, 4, यानी 4 2 4 2 4 2 ऐसे चलेगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इसका तरीका, ये अल्टरनेट भी सीरीज चल रही होगी, देखना तो 7 6 6 है ना, और फिर क्या हो गया 11 6 7, ठीक है, ये प्राइम का सीरीज नहीं बनेगा ना, प्राइम का मतलब 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, ये आपने ने ठीक सोचा, लेकिन क्या है ना कि वो ऑड वन आउट जैसे होगा ना, बोले इन दोनों मतलब इनमें से क्या आ सकता है, तो आप उसका लॉजिक लगाओगे, लेकिन सीरीज के अंदर ये लॉजिक नहीं चलेगा, ठीक है ना? सीरीज के अंदर आपको सीरीज क्या होना चाहिए, जो भी ये कम्बिनेशन में चल रहा है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना? जैसे आप मान लो यहाँ तक तो तुमने कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे 6 6 का गैप हो रहा था, तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ तो, 25, और यहाँ पे कितना आएगा, 29। अब ये हो गया, सीरीज खत्म हो गया। नहीं इसे अगर मैं बता दूँ, इससे आगे बढ़ोगे तो कितना जाएगा ये, ठीक है ना? ठीक है, आगे लिखो क्वेश्चन, 10.4 कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा 11.15 कॉमा 11.9 कॉमा 13.9 कॉमा 12.9 कॉमा 14.15। ऑप्शन लिखो ए, ये ऑप्शन में लिखो 13.15, बी में लिखो 10.65, सी में लिखो 5, और डी में लिखो 11, ठीक है?
कितना? 10.65 सबका? एग्जाम में पहले से पता हो जाएगा तुम फेल हो रहे हो। बताओ इन दोनों में कितना का गैप? 0.4 या 0.04? ये क्या है? ये था क्या? ये था ना? 11.9 होगा ठीक है। 12.19 होगा गलत लिखा। बीच में तो काट दो 13.1। क्वेश्चन ये है इससे बनाओ। ठीक है देखो सीधा सीधा गैप देखो ना इसमें इसमें कितना का गैप है? 12.9 है ना? 19 है? 9 है ना? तो देखो पॉइंट पॉइंट में पड़ रहा है ठीक है। इन दोनों को माइनस करोगे इन दोनों में कितना का गैप है? 2.06 ठीक है। इसमें इसमें 1 ठीक है। 2.06 कैसे होगा? 12.90 है ना? तो 1.25 होगा ठीक है। इसमें इसमें कितना का गैप? 1.05 तो देखो तो कितना कितना गैप चल रहा है 0.25 का। इसमें इसमें तो यहाँ यहाँ 0.25 का होगा तो यहाँ क्या होगा 0.50 ठीक है। और 0.50 जब होगा तो ये कितना हो जाएगा 10.65 क्योंकि इन दोनों में 0.25 का गैप होना चाहिए है ना? हो जाएगा ठीक है। आया समझ? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट माइनस फोर ये लिखना है क्या? नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन -4, -5, 0 -5, 0 (4, 5, 8, 10, 12, 15) ऑप्शन है 4, 2, 3, 0 ऑप्शन है 4, 2, 3, 0 -4, -5, 0 ऑप्शन नहीं ए फोर बी थ्री सी हाँ पॉजिटिव में जी।
क्या टू फोर तुम्हारा क्या तुम्हारा उसके पीछे तो कितना टू तुम्हारा तुम्हारा दिलीप आपका जीरो देखो मान लो अब आप कैसे देखो अल्टरनेट में चल रहा है ठीक है ऐसा है कुछ ना माइनस फोर कोमा माइनस फाइव कोमा जीरो कोमा डैश कोमा फोर कोमा फाइव कोमा एट कोमा ट्वेल्व कोमा फिफ्टीन यही है ना अच्छा टेन एट के बाद टेन टेन ट्वेल्व फिफ्टीन ऐसा था तो देखोगे तो मैंने कहा ना इस तरह के सीरीज में अल्टरनेट चेक करना ठीक है ना अच्छा ये तो ये देखो फोर का गैप है इसमें और इसमें फाइव का गैप है ठीक है तो क्या आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वो 10 फुट गया था ना बीच में नहीं क्या 15 और 12 में 3 का गया था ना दूसरा जो जिससे मैंने किया वो अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो देखो 4 और माइनस 5 में कितना गया 1 का और 5 और 0 में 5 का पीछे से कर लो ठीक है 3 2 2 3 एक हाँ 15 और 12 में 3 हाँ 10 और 8 में 2 अच्छा 5 और 4 में 1 अच्छा फिर आप 4 और जो उसके आगे आएगा उसमें 0 होना चाहिए ना 4 और 4 और उसके आगे आएगा उसमें 0 गई तो गैप होना चाहिए तो 4 भी आएगा वहाँ पे ये ना आप जैसे वो कह रहे हो ना जैसे आप वो देख रहे हो ना ऐसा ऐसा सीरीज देख रहे हो ना कि इसमें गैप है इसमें गैप है इसमें वन का है और तो ठीक तो है यहाँ जीरो है ना अच्छा ठीक है ना नेक्स्ट चले नेक्स्ट चलो 6.13 ये इजी है सबसे बन जाएगा 6.13.25.101.203 नंबर देख के मत परेशान ऑप्शन में लिखो ए 30, 30, 70, 51, 90, 51, 90, 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
छः तेरह पच्चीस क्वेश्चन मार्क 101 203 छः तेरह पच्चीस क्वेश्चन मार्क ये तो बहुत इजी है इंटू टू प्लस वन इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन कितना इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन ठीक है कैसे हुआ वो तो बताता मैं चलो अच्छा इस बार तुम्हारे लिए अलग से क्वेश्चन देंगे सबको अलग ठीक है सारे लिखो जीरो कॉमा तुम्हारा क्वेश्चन अलग होगा रुक तुम्हें नहीं लिखना है जीरो कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा एट कॉमा टेन
कॉमा 15 कॉमा 17 कॉमा 24 कॉमा 26 नेक्स्ट में क्वेश्चन मार्क ऑप्शन है 35 42 33 34 तुम क्वेश्चन लिखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क फिर 9000 लिखो तुम्हारे लिए 1794 ठीक है बन गया तुम्हारा क्वेश्चन है ठीक है कितना है 35 कैसे अल्टरनेट चल रहा है सबका हो गया 35 सबका चलो आगे बढ़ो 18,27 हाँ नहीं हुआ ये उसका क्वेश्चन है हाँ जी तुम्हारा क्वेश्चन यह है आगे क्वेश्चन चाहिए बताना है ना तो देखो 0 2 3 5 8 10 है ना ठीक है यही है ना क्वेश्चन तो अल्टरनेट चलो ना 0 से 3 3 से 8 8 से 15 15 से 24 और 24 से 35 आ जाएगा 0 3 में 3 का गैप 3 8 में 5 का गैप 8 15 में 7 का गैप ठीक है और 15 24 में 9 का गैप तो 9 के बाद 11 का गैप होगा हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 18,27,49,84,132 ऑप्शन 196 132 उसके बाद क्वेश्चन मार्क ठीक है ऑप्शन 196 183 193 और 178 तुम्हारा बना सबको दो ना सेम क्वेश्चन मेरे को ऐसे क्यों दे रहे हो तुम ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना मैं तो बोल रही मुझे नहीं आ रहा ये क्या पढ़ा रहे हो Thank you.
ऑप्शन नहीं है 197 तो जो अंतिम लास्ट से थोड़ी पढ़ा रहे हैं स्टार्ट से पढ़ा रहे हैं 193 आया सबका कैसे बना देखो 18 था 27 था 49 था 84 था और 132 था यही ना ठीक है ना सबका हो गया ना कि बताऊं नहीं हुआ तो इन दोनों में कितना गैप इन दोनों में ठीक है अब यहाँ पे नहीं कर रहा नहीं पता लग रहा ना तो एक और कर लो ना ठीक है ना कोई इतना हार्ड नहीं आएगा इतना ही आ देंगे बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ठीक है तो यहाँ 13 होना तो कितना होगा 61 यहाँ ऐड करो ठीक है हो जाएगा समझ में आया ये डबल पैटर्न पे फॉलो कर रहा था ठीक है ना इसको ट्रिपल एट पैटर्न कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो क्या होगा किसका अच्छा बना लिया गुना पाँच अच्छा सब में जी। तो इसमें माइनस 30 कैसे होगा ये बताओ इसमें माइनस 30 कैसे होगा इसमें माइनस 30 कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ 15, 21 15, 21, 39, 77, 143, 15, 21, 39, 77 143 उसके बाद क्वेश्चन मार्क ठीक है ऑप्शन में 245 238 181 253 ठीक है ऑप्शन लिखा था ना नहीं 37 नहीं है ऑप्शन ना
हुआ तो देखता हूँ गलत लग रहा है ना किसी का वन फोर थ्री तो यही है बना ठीक है ठीक है 66 देखो ये ना देखो कितने लेवल में जा रहा है ठीक है मतलब तीन पैटर्न पे जा रहा था अब यहाँ आठ का आया गैप आठ का आया गैप तो यहाँ पे कितना होगा 36 ठीक है तो 36 यहाँ ऐड होगा तो कितना होगा 102 और 102 यहाँ ऐड होगा तो 245 क्या हो गया है समझ हाँ समझ में आ गया अच्छा आया समझ आपका सबका हो गया ठीक है सबका आ गया चलिए ठीक समझ नहीं आया अच्छा ठीक है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं देखो 16.4 कॉमा टू अच्छा इंटू फाइव प्लस हाँ ठीक है तुम्हारा इंटू फाइव प्लस 30 होगा अच्छा लगा गया हाँ 16.42 कॉमा 3.5 16.4 कॉमा टू अरे 3.5 ना 1.5 16.42 1.5 1.75 और 1.875 ठीक हाँ नेक्स्ट इसमें रॉन्ग नंबर कौन सा है वो बताना है ऑप्शन है 1.875 1.75 1.524 सारा ऑप्शन ही है 1.5 1 पॉइंट हाँ 16 4 2
1.5, 1.75 और 1.875 ये बताओ कौन सा इसमें गलत है। कैसे? मैं तो आंसर बताया ही नहीं। मना तुम्हारा कैसे बना? ऐसे कि 4 4 16 4 अब इसके बाद एक आता है, 1 2 3 2 अच्छा और उसके बाद 1 2 3 2 आएगा तो एक का आधा आधा में तो 2 गलती हो गया ना। बताओ दिमाग लगाओ। हाँ लगाओ। ना 16 सही है। तू कैसे? बताऊं? स्क्वायर नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4 अच्छा तो 1.5 किसका स्क्वायर है? 1.75 किसका? देखो ये ऐसे चल रहा है। हाँ बताओ एक्चुअली क्या नाम आंसर है 1.75 देखो ऐसे है ठीक है तो कितना आ गया अब ये हो गया 1/4, 1/2 ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा इनटू बताओ इनटू 1 तो क्या आएगा वहाँ नेक्स्ट में भी 1.5 ही आएगा और फिर यहाँ पे इनटू 1 तो यहाँ आएगा 1.5 ही आगे ठीक है तो गलत कौन सा है ये ठीक है बनेगा नहीं बनेगा ठीक है नेक्स्ट बताना क्वेश्चन लिखो नहीं थोड़ा सा अब हल्का वाला देता हूँ लिखो हाँ
7.9.16 7.9.16 25 41 7.9.16 25 41 68 107 173. अब इसमें बताना कौन सा गलत है. 7.9.16.25.41.68.107.173. वो कौन सा गलत है ढूंढ के बता दो. ऑप्शन से क्या होता है इसमें. ये लास्ट करो फिर लेटर सीरीज चलेंगे. ये सब नंबर सीरीज चल रहा था ना. अल्फाबेटिकल सीरीज चलेंगे. आ गया. 68 सब का है. कितना वही होगा तुम्हारा. ऑप्शन तो नहीं है इस बार. क्या 68 नहीं है. नहीं जबरदस्ती वाला क्वेश्चन है. बताओ क्या क्वेश्चन. वन ठीक है. ये था नाइन ही तो लिखा हुआ है. देखो इसमें कुछ है. 7 + 9 = 16 9 + 16 = 25 25 16 ठीक है. कुछ क्वेश्चन है बताओ. 7 में 9 ऐड करो 16 हो जाएगा 16 में 9 ऐड करो 25 हो जाएगा 25 में 16 ऐड करो 41 हो जाएगा 41 में इसको ऐड करो कितना होगा 66 हो जाएगा 66 में ऐड करो कितना हो जाएगा हो जाए. इसीलिए ना क्वेश्चन दे रहे हैं. सोचना पड़ेगा. मजा आया. क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है. चलते हैं हम लेटर सीरीज पे. वही मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज. देखो इस सीरीज को बनाने से पहले तीन बातें तुम्हें ध्यान रखनी होगी. पहला अल्फाबेट का नंबर्स
यानी पोजीशन, पोजीशन राइट टू लेफ्ट, दूसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और क्या ध्यान में रखना होगा बताओ? अपोजिट, ठीक है। देखो इसके क्या क्या टाइप्स आते हैं क्वेश्चन वो बताता हूँ। हाँ नंबर ध्यान में रख, जैसे हाँ वो कोडिंग डिकोडिंग अलग होता है, उसी में सीरीज आ जाता है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग भी एक तरह का सीरीज ही है, मतलब उसमें भी सीरीज आ जाता है, लेकिन उसका कोड ध्यान में रखने होते हैं, ठीक है ना। ये सीरीज पे चलेगा, वो कोड पे चलता था, ठीक है। तो इसको देखते हैं, जैसे इसमें एक आता है आपका फॉरवर्ड, एक टॉपिक आएगा इसमें, जैसे टाइप्स है ना अलग अलग। तो एक होता है फॉरवर्ड सीरीज, मतलब फॉरवर्ड कैसे बढ़ेगा। एक बैकवर्ड होता है, मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज, ऐसे टाइप लिख लो ना। कितने के टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बताते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज, फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब सीरीज होगा लेटर्स का, वो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारा ठीक है, इस टाइप का है सीरीज, तो बताओ तुम। नहीं नहीं, देखो डी का पोजीशन क्या होता है, इसका इसका तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड ऑर्डर सीरीज है। इसी में क्या आ जाएगा दूसरा टाइप, बैकवर्ड ऑर्डर सीरीज है ना, ठीक है ना। बैकवर्ड सीरीज ऑर्डर में क्या, इसको रिवर्स कर दो, ठीक है, रिवर्स कर दें क्या आएगा, वी एस पी। अच्छा ऐसा है क्या, जैसे बैकवर्ड ऑर्डर सीरीज में क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा है ना। तो ये रिवर्स हो जाएगा क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, फिर एक टाइप है आपका मल्टीपल सीरीज। मल्टीपल सीरीज कैसा होगा, अपोजिट टाइप से, जैसे ऐसा क्वेश्चन हो गया। हाँ हाँ आ ठीक, मल्टीपल सीरीज जैसे इसमें क्या होता है, ठीक है, ऐसा कुछ सीरीज बनेगा, अपोजिट हो ना, अपोजिट ने मल्टीपल कर दो, वी कर दो, सी वी डी डब्ल्यू, आगे ठीक है। तो मल्टीपल सीरीज कैसे, मल्टीपल सीरीज बनाइए बताओ। देखो ऐसा है ना, सी डी डी ई, ई के बाद एफ, फिर यहाँ
ठीक है, समझ में आया? मल्टीपल सीरीज ऐसा मतलब दोनों हो जाएगा, एक में फॉरवर्ड जा रहा है एक में बैकवर्ड जा रहा है। फिर एक होता है अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर कैसा होगा? सी एक्स डी डब्ल्यू मतलब एक लेटर का अपोजिट हो गया, हाँ ऐसे एक टाइप लिख ही देता हूँ ना, अपोजिट लेटर सीरीज। अपोजिट लेटर सीरीज ठीक है, जैसे सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी ऐसा कुछ। तो ये हर लेटर क्या है, एक दूसरे का अपोजिट लेटर है ठीक है। फिर एक आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कैसे कॉम्बिनेशन होगा? ऐसा कुछ लेटर्स के पोजीशन के अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये लेटर्स के पोजीशन के अगर इसका पोजीशन देखोगे तो क्या आएगा, 5 6 और इसका 3 8, कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दोनों में बताओ? एक काम करता हूँ और आप बताओ। नहीं बनना जी का 17th 7 है था 7 7 ऐसे कर दो ठीक है। तो देखोगे तो इसमें नहीं बनना है क्या सीरीज, बनना है जैसे 5 3 1 4 5 6 3 8 4 4 7 अच्छा ये सीरीज नहीं बना, ये जी करो तो सीरीज बनेगा, हाँ बन जाएगा देख लो। ठीक है ये तो हो गया एक टाइप, अपोजिट लेटर हो गया ठीक है। इसमें कुछ स्मॉल लेटर का भी आता है, स्मॉल लेटर भी जैसे ए बी बी सी सी करके, वो आपको नहीं आना है। क्वेश्चन से शुरू करते, क्वेश्चन से पता लगेगा तुम्हें। क्वेश्चन लिखना जे कॉमा एम कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा एस, हाँ एस कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा वाई, ऑप्शन लिखो एन कॉमा बी, हाँ वी पी कॉमा वी वी वी, हाँ जे कॉमा एम कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा एस कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा वाई ठीक है। ऑप्शन लिखो एन कॉमा वी, हाँ बी फोर वॉम, हाँ बी ऑप्शन लिखो पी कॉमा बी, पी कॉमा बी वी वी, दूसरा थर्ड ऑप्शन लिखो वी कॉमा पी ठीक है, डी लिखो पी आर, कौन सा सबका हो गया पी भी आएगा सबका हो गया, तो प्लस थ्री के पे प्लस थ्री पे चल रहा है ना। नेक्स्ट लिखो पी एम पी कॉमा एम कॉमा जे कॉमा जी कॉमा डी,
पी कॉमा एम कॉमा जे जे जी डी के बाद पी कॉमा एम कॉमा जे कॉमा जी कॉमा डी कॉमा क्वेश्चन मार्क ऑप्शन है ए बी सी डी ए बी सी ई डी तो ऑप्शन में ये होगा ना माइनस थ्री चल रहा है चलो चलो लिखो क्वेश्चन बी एम ओ कॉमा बी एम ओ कॉमा बी फॉर बॉल हाँ ई ओ क्यू कॉमा एच क्यू एस कॉमा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बी एम क्यू सॉरी बी एम ओ ई ओ क्यू ई ओ क्यू एच क्यू एस क्यू एस एस एच इसके बाद क्वेश्चन मार्क ऑप्शन में एस ओ बी एस ओ बी एस ओ डब्ल्यू एस ओ बी एस ओ डब्ल्यू एल एम एन एल एम एन के एस यू के एस यू नन ऑफ दिस के एस यू बना कैसे टू है 15 है 13 है इसका कितना है 5 अब बताओ देखो 15 17 19 तो क्या होगा 13 15 17 तो सर 2 और 5 के बीच में कितने गए थे तीन इसको सबसे अच्छा बनाने का तरीका इसके लेटर्स के नंबर लिख लो बहुत आसानी से बन जाएगा क्या हुआ बन गया तुम्हारा दो पाँच आठ तेरह पाँच ठीक है ना हो जाएगा और लिखाऊं लिखो ए बी ए बी हाँ साथ में ए बी कॉमा डी ई एफ डी ई एफ कॉमा एच आई जे के कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ये तो बता दोगे एच हाँ मैंने क्या बोला था एच आई जे के बोला था ऑप्शन बताऊं एल एम एन ओ एल एम एन ओ पी एम एन ओ पी क्यू क्यू ठीक है
एल एम एन ओ क्यू आर एस टी यू हो गया ना आंसर। चलो ठीक है, लिखो क्वेश्चन। बी जेड ए, बी जेड ए कॉमा डी वाई सी कॉमा एफ एक्स ई कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा जे वी आई जे वी आई आई बी जेड ए ठीक है डी वाई सी एफ एक्स ई क्वेश्चन मार्क ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए एच डब्ल्यू जी हाँ सबका आ गया। चलो इसके तीन क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। और लिखाऊं? लिखो डब्ल्यू एफ बी हाँ बी पर बॉल कॉमा टी जी डी जी डी टी जी डी जी फॉर गोवा टी जी डी हाँ क्यू एच जी कॉमा क्वेश्चन मार्क ऑप्शन लिखेंगे एन आई जे एन आई के एन जे के ओ आई के पी जे के एन आई जे एन आई के एन आई के एन जे के 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 ओ आई के पी जे के एन आई के ठीक है एन आई के बताऊं जैसे डब्ल्यू एफ पी है ठीक है ना एक एक लेटर को लो डब्ल्यू का पोजीशन ऐसे लो ऐसे बताता हूँ वो भी बताता हूँ क्यों टेंशन ले डब्ल्यू एफ पी आगे क्या था आगे क्या था क्यू ये था ना तो देखो सबसे पहले क्या करो नंबर लिख दो 23, 6, 2, 27, 4, 17, 8, 7 ये हो गया ना तो इसको देखो बना कितने तरीके हैं इससे चले जाओ -3 +1 +2 ठीक है -3 +1 +3 ये क्या होगा -3 14 तो 14 का आएगा 7 +1 i और +4
फोर होगा, होगा डन खत्म कहानी। हाँ हो गया ना डन। चले आज की कार्रवाई आज यहीं तक खत्म करते हैं।